हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ताहिर है और मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। और आज से मैं आप लोगों को एक सीए फाउंडेशन कोर्स में जो अकाउंटिंग का कोर्स है उसके लिए रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगा कि हाउ टू स्टडी दिस अकाउंटिंग सब्जेक्ट, क्या क्या करना है, कैसे करना है। ग्रेजुअली हम पढ़ाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यूट्यूब पे आपको मेरा रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ द अकाउंट में है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। हालांकि ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर उसको आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर 1-6 जो रहता है ना आपका थियोरेटिकल पार्ट में, वही चीज़ को यहाँ पे हमें वापस रिपीट में सीखना है, ठीक है। ओवरव्यू लेना है हमें चैप्टर का और अच्छे से याद कर लेना है। और एक और बात यहाँ पे बताऊँ मैं आप लोगों को कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हालांकि इसका मैं अगर प्रैक्टिकली बोलूँ आपको कि आपको अकाउंट में इसका कहीं पे यूज़ होता है तो नहीं, अकाउंट में यूज़ तो नॉर्मली हमारा गोल्डन रूल जो होता है वही होता है, लेकिन ये चैप्टर का यूज़ जो है ना वो मेजरली आपको ये जो सब चैप्टर है स्टार्टिंग है उसको आपको समझने के लिए रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये जो डीप एनालिसिस करना है, समराइज करना है अकाउंट्स को, एक एक हेड में कैसे कौन सी चीज़ को डिवाइड करना है, वो सब चीज़ें बारीकियाँ जो है वो ये चैप्टर से हमें पता चलती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग, तो प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग में उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्टिंग जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पहला काम क्या है अपना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना है। दूसरा है यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो जाएगी उसके बाद उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो जनरेट करने के लिए क्या क्या करोगे आप, फर्स्ट थिंग रिकॉर्डिंग, सेकेंड क्लासीफाइंग, थर्ड समराइजिंग, फोर्थ एनालाइजिंग, फिफ्थ इंटरप्रेटिंग एंड सिक्स्थ इज कम्युनिकेटिंग। जब तक आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो आप सेकेंड उसके बाद उससे पहले आप कुछ बाकी का कोई काम नहीं कर पाओगे। अगर कुछ रिकॉर्ड करना चालू करते हो तो फिर क्या करते हो, अपन क्लासीफाई करते हैं कि भाई कौन से क्लास में कौन सी एंट्री जाएगी। फिर समराइज करते हैं, समराइज मतलब जो अपन फाइनल अकाउंट्स करते हैं दैट इज समराइज है। फाइनल अकाउंट्स एक बार तैयार हो गया उसके बाद अपन एनालिसिस करते हैं कि प्रॉफिट हुआ क्या, लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ। और वो एनालिसिस के बाद अपन इंटरप्रिटेशन करते हैं, ओके दिस इज द वे वी कैन इंटरप्रिट एंड इंटरप्रिटिंग ऑफ द अकाउंटिंग। और उसके बाद लास्ट में आता है कम्युनिकेटिंग कि भाई हमें कम्युनिकेशन मिलता है कि भाई एक आइडिया मिल जाता है अकाउंट्स में कि हमें आके क्या करना है, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग में क्या आएगा आपका, इनपुट आएगा, इनपुट इनपुट में क्या है, इकोनॉमिक इवेंट एंड ट्रांजेक्शन मेजर्स इन फाइनेंशियल टर्म। इकोनॉमिक इवेंट जो रहते हैं, ट्रांजेक्शन जो होते हैं और जिसको मनी टर्म्स में अपन डिफाइन कर सकते हैं वो चीज़ें यहाँ पे आएगी। फिर सब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन में एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और दूसरा है आउटपुट, ठीक है। जब आपने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को एनालाइज कर लिया, यहाँ पे हमें कभी भी अकाउंट जब की बात, अकाउंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को ही और इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन को मेजर करना है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर इवेंट आता है तो उसको रिकॉर्डिंग नहीं करना है, लेकिन ट्रांजेक्शन होता है तो उसको अपन रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो फिर सेकंड स्टेप पे अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल में अगेन इट इज़ डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स। पहला क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री मतलब जो जर्नल एंट्री अपन पास करते हैं। सेकंड है पोस्टिंग ऑफ पोस्टिंग टू लेजर, अपन के सेपरेट अकाउंट्स के सेपरेट टेबल्स क्रिएट करेंगे और उसको बोलते हैं लेजर यहाँ पे, ठीक है। फिर लेजर को क्लोज करेंगे तो ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ट्रायल बैलेंस के बाद अपन फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। और जब आउटपुट हो जाता है, अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो गई, मेरे पास आउटपुट आ गया, तो हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, जो यूजर्स है। तो यूजर्स में दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल होता है, एक होता है इंटरनल यूजर्स होता है। इंटरनल में कौन कौन है, जो बिजनेस को संभाल रहा है दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिन लोगों ने पैसा डाल के रखा है, पार्टनर्स वगैरह, ठीक है, जो रूटीन एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द बिजनेस। इन सब लोगों को अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है कि हम लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आइडियाज अप्लाई कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आएगा अपना, कि जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, किसी से हमने लोन लेके रखा हुआ है, कोई हमारा सप्लायर है, कोई गवर्नमेंट एजेंसीज है और कस्टमर्स है। इसका डिटेल डिस्कशन आगे के चैप्टर्स में हमें मिल जाएगा कि भाई इन्वेस्टर को क्या मतलब होता है अपने अकाउंट से, या सप्लायर को क्या मतलब है, गवर्नमेंट एजेंसी को क्या मतलब है, या कस्टमर को क्यों चाहिए अपना इन्फॉर्मेशन, कस्टमर अपना इन्फॉर्मेशन जानने की क्यों कोशिश करेगा, ये आगे के चैप्टर में हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। ओके चलो,
यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का एक छोटा सा डेफिनेशन, ट्रांजेक्शन इज यूज टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट एंड एग्रीमेंट, वेल इवेंट इज यूज टू मीन अ हैपनिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन एज अ रिजल्ट। वापस पढ़ लेते हैं एक बार, ट्रांजेक्शन इज यूज टू मीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट एन एग्रीमेंट, वाइल इवेंट इज यूज टू मीन हैपनिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन एज अ रिजल्ट। ठीक है, डिटेल में यहाँ पे, एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट 2 lakh rupees फॉर रनिंग स्टेशनरी बिजनेस, फर्स्ट जनवरी परचेज गुड्स ऑफ 1,50,000 एंड सेल्स फॉर रुपीज 1,47,000 ड्यूरिंग द मंथ। मतलब उसने 2 lakh का माल खरीदा था, ठीक, 2 lakh rupees लेके उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, 2 lakh rupees लेके बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें से 1,15,000 का माल खरीदा और 1,47,000 में उसने उसको बेच दिया जनवरी महीने में। सो ही पेज शॉप रेंट 5,000 rupees, उसने 5,000 rupees रेंट का पे किया एंड फाइंड डेट स्टिल ही हैज गुड्स वर्थ ₹15,000 इन हैंड, 15,000 rupees का गुड्स अभी भी उसके पास पड़ा हुआ है। द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ही कैरीज ऑन अ फ्यू ट्रांजेक्शन एंड एनकाउंटर्स सम इवेंट्स, इज इट नॉट लॉजिकल दैट ही विल वॉन्ट टू नो द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी। अब ये जो इवेंट हुए हैं उसके, अलग अलग इवेंट हुए हैं उसके, 2 lakh का इन्वेस्ट किया, 1,15,000 का माल खरीदा, 147 में बेचा है, 5,000 rupees रेंट पे किया और साथ में 15,000 का माल अभी भी उसके पास पड़ा है, तो उसको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, जो पूरी एक्टिविटी की उसने उसका उसको रिजल्ट चाहिए। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट में कैसा है, कि यहाँ पे उसके उसने गुड सोल किया 1,47,000 में, ठीक है, और उसके पास अभी भी 15,000 का माल पड़ा हुआ है, तो इन दोनों को ऐड करो तो टोटल वैल्यू हो गई 1,62,000 में से उसने परचेस किया था 1,15,000 का माल और उसने शॉप रेंट 5,000 rupees का पेमेंट किया था, तो इन दोनों को ऐड करोगे 1,20,000 rupees आ रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ आपके पास पैसा चला गया, यहाँ पे ये दो एक्टिव इवेंट से आपका पैसा जा रहा है, और यहाँ पे ये जो दो चीज़ है, यहाँ पर 147 आपके पैसा मिल चुका है माल बेच के, गुड्स बेच के, और 15,000 rupees आपके पास अभी भी गुड्स पड़ा हुआ है, तो 1,62,000 का टोटल वैल्यू में से 120 का आउटफ्लो माइनस करोगे तो आपका एक्चुअल सरप्लस कितना बचा, 42,000 सरप्लस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सिमिलरली आगे एक एग्जांपल दिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ग्रांट मिला 500 lakhs का एडल्ट एजुकेशन के लिए। ठीक है, उसमें से 250 lakhs rupees उसने परचेस किया लिटरेसी किट के लिए और पेड 200 lakhs टू द ट्यूटर्स एंड लेफ्ट विद द बैलेंस ऑफ 50 lakhs। दीज आर ऑल्सो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। देखो ट्रांजेक्शन में यहाँ पे देखोगे ना तो 500 lakhs का उनको ग्रांट मिला हुआ है, और वो किसके लिए मिला है ग्रांट को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, गवर्नमेंट से, कि भाई एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन, एडल्ट के लिए। ठीक है, तो टोटल 500 lakh में से 250 lakh rupees का उन्होंने किट खरीदा, 200 lakh rupees उन्होंने ट्यूटर को पे किया, टोटल 450 lakh हो गए और 50 lakh rupees उनके पास अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, हालांकि देखो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी उसका अकाउंटिंग करना जरूरी है ताकि लॉन्ग टर्म में हमें पता चले कि जो पर्पस से हमने जो एक्टिविटी स्टार्ट किया है तो उसका इनपुट आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस, पेड सैलरीज टू द एम्प्लॉयज एंड स्पेंड ऑन वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज, व्हेनेवर रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर मोर देन एक्सपेंसेस इट हैज सरप्लस, बट इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन रिसीप्ट्स इट रन्स इन डेफिसिट्स। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह के पास का पैसा कहाँ से आता है, टैक्स के तौर पर आता है, तो टैक्स का जो भी पैसा उनके पास आता है वो क्या करते हो टैक्स के पैसों से, पहले तो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है, उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वगैरह करता रहता है, जो अपना रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है गरीब लोगों के लिए, और काफ़ी सारे नए नए प्रोजेक्ट्स वगैरह डाले जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो ये सब चीज़ें जो है उसमें गवर्नमेंट अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, पर काफ़ी बार यह हो सकता है कि वहाँ पर डेफिसिट भी हो जाए, मतलब जो उन्होंने पैसा, जितना उनके पास टैक्स के कलेक्शन से पैसा आया उससे ज़्यादा पैसा वो लोग खर्चा कर चुके हैं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर डेफिसिट भी हो सकता है। नेक्स्ट, एवरी वन शुड कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। देखो हर आदमी चाहता है कि उसके हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हो जाए, हाँ, एंड इवेंट्स एंड टू हैव एडिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एड टू डिसीजन मेकिंग। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ का ट्रांजेक्शन या इवेंट जो भी होता है उसको अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं करोगे ना तो आप कभी भी लाइफ में उसका डिसीजन मेकिंग पॉइंट पर नहीं आ पाओगे। मतलब टाइम इन अगेन हम भूल जाते हैं चीज़ों को। देखो सेफ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 महीने पहले कहीं पे कुछ काम के लिए निकला था, वो काम पे निकल गया था और वहाँ पर मैंने टैक्सी हायर किया हुआ था। ठीक है, अब वो मेरा हर 15-20 दिन में वो काम के लिए मैं जाता रहता हूँ, तो बार बार मैं टैक्सी हायर करता हूँ, बार बार मैं टैक्सी वाले को पेमेंट करता हूँ, लेकिन हर बार क्या वो मीटर बेस्ड पेमेंट होता है, तो काफ़ी बार ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो पेमेंट ज़्यादा हो जाता है।
काफ़ी बार ट्रैफिक नहीं होता है तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, तो मेरा पेमेंट उसको कम जाता है, ठीक है। अब मैं अब पर्सनल लेवल पे क्या मैं 6 महीने पहले जो मैंने पेमेंट किया था वो मुझे याद रहेगा? डेफिनेटली नहीं रहेगा, डेफिनेटली वो याद मुझे नहीं रहेगा 6 महीने पहले, या तो 6 महीने के दौरान जितना भी मैंने पेमेंट किया है वो मुझे याद नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा, एवरी टाइम जब जाऊँगा तो लिख लूँगा साइड बाई साइड। मुझे अगर प्लानिंग करना है, मुझे अगर वो मेरा मेजर कॉस्ट है, अगर मेरे काम का वो मेजर कॉस्ट है, तो मैं क्या करूँगा, एनालिसिस करूँगा उसको कि भाई पर्टिकुलर डे पे मैं गया था, ये टाइम पे निकलता हूँ तो ट्रैफिक ज़्यादा है या कम है, कितना चार्ज लगा, तो उसके हिसाब से मैं मेरे फ्यूचर के डिसीजन को मॉडिफाई करूँगा, ठीक है। तो देखो आगे क्या बोला है, accounting discipline has been developed to serve this purpose as it deals with the measurement of economic activity involving inflow and outflow of economic resources which helps to develop useful information for decision making process. Accounting has universal application for recording transactions and event and presenting suitable information to aid decision making regarding any type of economic activity ranging from a family function to the function of a national government. देखो अगर ऐसा नहीं है कि अपन बिजनेस कर रहे हैं तो ही अकाउंटिंग करेंगे, अगर घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तो उसके लिए भी पेरेंट्स लोग जो होता है ना वो हमेशा हिसाब किताब रखते हैं कि भाई कभी कभी भी घर में किसी की शादी होती है तो पूरा बजटिंग तैयार होता है कि भाई दूल्हे के कपड़े कितने आएंगे, दुल्हन के कपड़े कितने आएंगे, मेहमान आएंगे तो उनको रहने का कहाँ पर रखेंगे, तो उनका रेंट कितना होगा, मेहमान आएंगे तो उनको अगर सी ऑफ गिफ्ट देंगे जब जा रहे हैं वो लोग तो गिफ्ट देना है तो उसका कॉस्टिंग कितना होगा, खाने पीने का खर्चा कितना होगा, सब में बजट डिसाइड होगा, सब में बजट्स वगैरह डिसाइड होगा और उसके बेसिस पे काम होता है लोगों को, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि खाली अपन अकाउंटिंग जो डिसीजन मेकिंग और अकाउंटिंग आता है वो उसी के बेसिस पे करते हैं। पहले जब कभी भी फंक्शन होता है तो उसमें पहले बजट डिसाइड होता है कि भाई चलो एक शादी करनी है तो टोटल 10 लाख का बजट है अपना, 10 लाख रुपये खर्चा कर पाएंगे। अभी जो 10 लाख रुपये खर्चा कर पाएंगे अपन, 10 लाख रुपये जो खर्चा करने वाले, ठीक है, उसमें अगर दुल्हन है या दूल्हा है तो जो भी है, घर में बहू आ रही है, जो भी है फैमिली है, तो उसमें पहले तो एक पर्टिकुलर अमाउंट का गोल्ड देना होता है कि भाई चलो अपन 3 लाख रुपये का गोल्ड देने वाले, ठीक है, उसके बाद बाकी 7 लाख रुपए बचे अब खर्चे करने के लिए, ठीक है। तो दूल्हे के कपड़े कितने के आएंगे, रहने खाने पीने का खर्चा कितना होगा, बाकी जो मेहमान जो आ रहे हैं उनको रहने के लिए है, उनको खाने का है, नाश्ता है, वो सब देना है। अगर बारात लेके कहीं और सिटी पे जाना है अपने को तो उसमें बस चाहिए रहेगा तो बस का कॉस्टिंग कितना आएगा, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह ये पूरा का पूरा बजट के हिसाब से काम करना होता है। उसी तरह गवर्नमेंट कोई फंक्शन करती है, गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करती है, से फॉर एग्जांपल 15 अगस्त का फंक्शन होता है, 26 जनवरी का फंक्शन होता है, या महात्मा गांधी के जयंती का दिन जो छोटा मोटा फंक्शन बोलो, वो एक छोटा सा फंक्शन बोलो एवरी ईयर करते हैं, ठीक है। तो जो भी फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, तो विद एवरी डिसीजन पैसा जाता है। ह्यूमन लाइफ में कोई छोटा डिसीजन ले लो तो वहाँ पे आपको या आपकी जेब से पैसा जाएगा, ठीक है। तो हर छोटे डिसीजन के साथ पैसा देना पड़ता है, तो यहाँ पे वो पैसे का अकाउंटिंग करना जरूरी है, ठीक है। बट ईयर इन आफ्टर वी शैल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन बिजनेस एक्टिविटी। हाँ, लेकिन हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें अभी के लिए सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी के एंगल से ही आगे स्टडी करना है, ठीक है। एंड द अकाउंटिंग, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी मटेरियल इज टू प्रोवाइड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन द अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, नेवर्थलेस इट विल गिव एडिक्वेट नॉलेज टू थिंक कोहेरेंटली ऑफ अकाउंटिंग एज अ फील्ड ऑफ स्टडी फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें अकाउंटिंग एंगल से, बिजनेस एंगल से अकाउंटिंग को समझना है, बुक कीपिंग को समझना है, लेकिन जो हम सीख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। मतलब कोई भी डिसीजन मेकिंग करना है एज रिगार्ड्स टू मनी है, तो ये जो यहाँ पर रूल है वो सब अप्लाई करोगे तो उधर भी डिसीजन मेकिंग पावर आपका डेफिनेटली सेम रहेगा जो यहाँ पर है, ठीक है। The growth of accounting discipline is closely associated with the development of business world. Thus, to understand accounting as a field of study for universal application, it is best identified with recording of business transactions and communication of financial information about business enterprise to facilitate decision making. The aim of accounting is to meet the information needs to the rational and sound decision makers and thus called language of business. देखो, अगर हम जो भी पूरे इंडिया की बात करते हैं तो काफ़ी सारा स्टेट यहाँ पे 28-29 स्टेट्स हैं इंडिया में, ठीक है, यूनियन टेरिटरी अलग है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हर स्टेट में जाओगे ना तो वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में लोग बात करते हैं। हर स्टेट की बात छोड़ो, हर स्टेट के दूसरे अलग अलग हिस्सों में जाओगे तो यहाँ पर भी लोग बोलने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट करते हैं, तो बिजनेस की लैंग्वेज क्या है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स की एक लैंग्वेज क्रिएट की गई है, ठीक है। तो उसको हमें यहाँ पे सीखना है। कुछ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ये जो CPA करके अमेरिका का कोर्स है, उनकी जो इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट, उन्होंने 1961 में एक डेफिनेशन दिया था।
What is accounting? Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. देखो ऊपर जो हमने चार्ट सीखा था वही चीज वापस रिपीट कर रहे हैं लोग, ठीक है ना, वही चीज को बता रहे थे. अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है. किस चीज का आर्ट है? रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, सॉरी समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ. समझ में आ रहा है? तो एक डेफिनेशन है. डेफिनेशन में क्या क्या करना है हमें? एंड में क्या चाहिए? ट्रांजेक्शन इमेज को रिकॉर्ड करना है और उसका इंटरप्रिट करना है रिजल्ट्स को. रिजल्ट्स को इंटरप्रिट करने के लिए ये सब करते हैं, ठीक है. आगे अकाउंटिंग इज सिंपली एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग. सिंपली एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन विच आर फाइनेंशियल कैरेक्टर. यहाँ पर फाइनेंशियल कैरेक्टर है तो ही अकाउंट में एंट्री होगा इवेंट और ट्रांजेक्शन का. अगर फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है, अगर फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा. एंड देन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. दिस रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक ऑल्सो नोन एज प्राइमरी बुक्स. जर्नल और सब्सिडरी बुक को प्राइमरी बुक कहा जाता है, ठीक है. ये दोनों इंडिविजुअल चैप्टर है, डिटेल में अपन आगे जाके स्टडी करेंगे. Every good record keeping system includes suitable classification of transaction and event as well as their summarization for ready references. After the transactions and events are recorded, they are transferred to secondary book, that is ledger. देखो पहले क्या करना था, जर्नल या सब्सिडरी बुक में हमें प्राइमरी एंट्री मारनी थी और उसके बाद अपन कहाँ ट्रांसफर करते हैं? लेजर में. उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बुक, ठीक है. इन लेजर ट्रांजेक्शन इवेंट्स आर क्लासीफाइड इन टर्म्स ऑफ इनकम एक्सपेंस एसेट्स लाइबिलिटीज अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन और इवेंट को क्लासीफाई करते हैं. इनकम को इनकम में लेके जाएंगे, एक्सपेंस को एक्सपेंस में लेके जाएंगे, एसेट्स को अलग करेंगे, लायबिलिटीज को अलग करेंगे, ठीक है. काफी लोगों को एसेट्स और लायबिलिटी का मीनिंग यहाँ पे नहीं मालूम होगा, लेकिन आगे जाके डेफिनेशन का पूरा एक चैप्टर है टर्मिनोलॉजी का, वहाँ पे हम इसको काफी सारे टर्मिनोलॉजीज भी वहाँ पे जाके अपन सीखेंगे, ठीक है. अभी के लिए एसेट्स एंड लायबिलिटी मतलब, एसेट्स का मतलब होता है जो चीज हमारे पास होती है उसको एसेट्स बोलते हैं, जो पेमेंट हमें करना होता है, जो लोगों से पैसा लेके बैठे होते हैं अपन बिजनेस करने के लिए, उसको लायबिलिटी कहा जाता है इन शॉर्ट में, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इसेंशियली द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बोले थे ना कि जो भी मनी में ट्रांजेक्शन होगा उसी को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है. मेजरमेंट टर्म्स ऑफ मनी मीन्स मेजरिंग एट द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री. जो रूलिंग करंट्री है, जो रूलिंग करेंसी है तुम्हारे कंट्री की, इंडिया में अपन अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना रूलिंग करेंसी है रुपीज में, ठीक है. अगर यूएसए का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो डॉलर्स में बात करेंगे, ठीक है. लाइकवाइज जो भी कंट्री है जहां पर भी अकाउंटिंग किया जाता है वो कंट्री अपनी लैंग्वेज में अपनी रूलिंग करेंसी में अकाउंटिंग की एंट्री करेगा. ट्रांजेक्शन इवेंट मस्ट हैव एटलीस्ट इन पार्ट्स फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. वापस वही बात बता रहा है कि ट्रांजेक्शन इवेंट में एटलीस्ट इन पार्ट, एक पार्ट में भी फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए. बिकॉज फाइनेंशियल पैसे की कुछ बात नहीं हो रही है वहां पे, तो वहां पे वो ट्रांजेक्शन या इवेंट नहीं कहा जाएगा. द इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफ अ बैंक इज एन इवेंट विदाउट हैविंग फाइनेंशियल कैरेक्टर, व्हाइल द बिजनेस डिस्पोज्ड बाय द ब्रांच इज एन इवेंट हैविंग फाइनेंशियल कैरेक्टर. देखो एक बैंक ब्रांच को ओपन करते हो ना, बैंक ब्रांच को, तो वो एक इवेंट है विदाउट हैविंग फाइनेंशियल कैरेक्टर. वहाँ पर कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं आता है, ठीक है ना. लेकिन जो ब्रांच का बिजनेस होता है, ब्रांच का बिजनेस होता है उसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है. आगे अकाउंटिंग ऑल्सो इंटरप्रिट्स द रिकॉर्डेड क्लासिफाइड एंड समराइज इवेंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन. अकाउंटिंग क्या करता है? इंटरप्रिट करता है द रिकॉर्डेड क्लासिफाइड एंड समराइज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. However, the above mentioned definition does not reflect the present-day accounting function. The dimension of accounting is much broader than that described in the above definition. According to the above definition, accounting ends with the interpretation of the results of the financial transactions and event. But in the modern world, with the diversification of management and ownership, globalization of business and society gaining more interest in the functioning of the enterprise, the importance of communicating the accounting results has increased, and therefore these requirements of communicating and motivating informed judgments has also become the part of accounting as defined in the widely accepted definition of accounting given by the American Accounting Association in 1966, which treated accounting as Accounting Association ne kya bola hai, the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by the users of account. Fir American Principal Board of American Institute of Certified Public Accountants enumerated the functions of accounting as follows. The function of accounting is to provide quantitative information primarily of financial nature. Quantitative information primarily of financial nature about economic activities that is needed
to be useful in making economic decisions. Thus, accounting may be defined as the process of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting financial transactions and communicating the results thereof to the persons interested in such information. The procedural aspect of accounting. On the basis of the above definition, procedure of the accounting can be basically divided into two parts. Number one, generating financial information and using the financial information. पहला क्या है generate करना है, दूसरा क्या है using करना है. तो generate financial information में क्या आएगा, recording आएगा. This is the basic function of accounting. All the business transactions of a financial character as evidenced by some documents such as sales bills, passbook, salary slip, etc. recorded in the books of account. Recording is done in a book called journal. This book may further be divided into several subsidiary books according to the nature and size of the business. Student will learn how to prepare journal and various subsidiary books in chapter 2. Bola? Chapter 2 mein hum journal and subsidiary books ko seekhenge aage. Theek hai? Next, classifying. Classification is a concern with the systematic analysis of the recorded transactions with a view to group transactions or entries of one nature at one place so as to put information in compact and usable form. The book containing classified information is called ledger. जो हम classification करेंगे accounts का, books of accounts का, ठीक है, entries का, recorded entries जो की है उसका classification करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ledgers बोलेंगे, ठीक है. This book contains on different pages individual accounts as under which all financial transactions of similar nature are collected. ये book के अंदर, ये book ऐसा होगा जहाँ पर हर अलग अलग पेज पे अलग अलग account बनाया जाएगा, ठीक है. लैंड का अकाउंट अलग, बिल्डिंग का अकाउंट अलग, फर्नीचर का अकाउंट अलग, गुड्स परचेज का अकाउंट अलग है, गुड्स सेल्ड सोल्ड का अकाउंट अलग है, ठीक है. हर अलग अलग पेज के, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, मिस्टर रमेश, मिस्टर सुरेश, मिस्टर राकेश, तो उनके सबके अलग अलग अकाउंट अलग अलग पेज पे बनाए जाएंगे. उसके अलावा जो हमारी एक्सपेंसेस, यहाँ पे आगे भी देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल्स दिए हैं, सेपरेटेड अकाउंट्स हेड्स फॉर सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा. मतलब हर एक्सपेंस को अलग अलग पेज पे लिखा जाएगा. सैलरी एक पेज पे रहेगा, रेंट अलग पेज पे, प्रिंटिंग नेक्स्ट पेज पे, स्टेशनरी उसके बाद, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो कर रहे हैं वो उसके बाद, ठीक है. अलग अलग पेज पे उसका रिकॉर्डिंग होता है. All expenses under these heads are after being recorded in the journal will be classified under separate heads in the ledger. ठीक है, वो separate heads में चले जाएंगे. Income, income में expense, expense में assets, liability अलग अलग. This will help in finding out the total expenditure incurred under each of the above heads. Student will learn how to prepare ledger in chapter 2. Chapter 2 में अपन ledger भी सीखने वाले हैं, ठीक है. Next है summarizing. Summarizing में क्या बोला है, इट इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर यूजफुल टू द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस प्रोसेस लीड्स टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, जैसे ही अपन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, उसके बाद समराइज करना है. समराइज करना है मतलब टोटल को एक साथ ले लेना है, मतलब पूरे साल का, पूरे साल का जो भी मैंने एक्सपेंस किया है, पूरे साल में जितना मैंने सेल्स किया है, पूरे साल में जितना मैंने परचेस किया है. ड्यूरिंग द ईयर में एक एक एक्टिविटी करता हूँ ना, ड्यूरिंग द ईयर रोज बरोज की जो ट्रांजेक्शन होता है ना, रोज बरोज के ट्रांजेक्शन, वो मैं जर्नल में पास करता हूँ, ठीक है. और आज के ज़माने में कंप्यूटर का ज़माना है, ठीक है, सब चीज़ें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से काम होता है. तो उसमें लेजर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब चीज़ें एक साथ बन जाती है, लेकिन पढ़ाई के लिए जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, और भी जब कंप्यूटर नहीं थे तो उससे पहले प्रैक्टिकली जो अकाउंट किया जाता था वो हैंड रिटन अकाउंट था. तो हैंड रिटन अकाउंट में कैसा था कि कोई भी बिजनेसमैन है तो पहले ड्यूरिंग द डे वो जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो जर्नल बुक में एंट्री पास कर देगा. फिर उसका क्या रहता था कि आफ्टर 15 विदिन एवरी 15 डेज या एवरी वन मंथ, जो उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, ये कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को कर रहा है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि लेजर में कब ट्रांसफर करना है. 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, वीक में एक बार, डिपेंड्स करेगा, ठीक है. तो वो लेजर में ट्रांसफर करता था. और जब ईयर एंड आता है तो वो लेजर को क्लोज करेगा. लेजर को क्या करेगा, क्लोज करेगा और उसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करेगा. और ट्रायल बैलेंस से हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता था, ठीक है. हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो है वो बाद में सीखना है, लेकिन यहाँ पे जो अपन हैंड रिटन अकाउंटिंग है उसी के बेसिस पे सीखना है. तो ये जो एक्टिविटी बोली गई यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो उससे पहले हमें जर्नल सीखना होगा, सब्सिडरी बुक सीखना होगा, लेजर सीखने होंगे. उसके अलावा बीच में और काफी सारे चैप्टर्स है, डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर रहेगा, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करके एक चैप्टर रहेगा, वो सब सीखना है. उसके बाद ये चैप्टर्स पे अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें समराइज हो जाती है. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या बोला है, एनालाइज करना है. एनालाइज, तो एनालिसिस मीन्स क्या है, मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट हेल्प एनी
anyone unless they are in a simplified form. For example, all items relating to fixed assets are put at one place, while all items relating to current assets are put at another place. It is concerned with the establishment of relationship between the items of the profit and loss account and balance sheet. It provides the basis for interpretation. Students will learn these aspects of financial statement in the later stage of chartered accountancy course. ठीक है, जो एनालिसिस पार्ट है जब आप लोग सी एफ इंटर में आओगे ना, तो वहाँ पे एनालिसिस पार्ट वगैरह आपको सिखाया जाएगा. अभी फाउंडेशन लेवल पे कैसे अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, अकाउंट्स को कैसे बिल्डअप करना है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे सीखनी होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरप्रेटिंग. दिस इज द फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. इट इज कंसर्न विद एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप एज एस्टैब्लिश्ड बाय द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग डेटा. जो एनालिसिस किया अपन ने यहाँ पे, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करना है, उसको उसके एक रिजल्ट पे आना है, एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे आना है. द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा इज एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड इन अ मैनर दैट विल अनेबल द एंड यूजर्स टू मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्सप्लेन नॉट ओनली व्हाट हैपन बट ऑल्सो वाई इट हैपन एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट खाली आपको क्या हुआ है वो नहीं बताएगा, नॉट ओनली व्हाट हैपन बट ऑल्सो व्हाई इट हैपन एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन. जो क्यों हुआ कोई चीज़, और आगे फ्यूचर में अगर यही डिसीजन को यही एक्शन को कंटिन्यू करेंगे तो क्या होने वाला है, ये दोनों चीज़ें बताएगा आपको. ठीक है, आगे बोला है क्या करना है नेक्स्ट, लास्ट में क्या करना है, कम्युनिकेट करना है. तो इट इज़ कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ समराइज एनालाइज इंटरप्रेटेड इन्फॉर्मेशन टू द एंड यूजर्स टू अनेबल देम टू मेक रेशनल डिसीजन. व्हाट इज मीन बाय रेशनल डिसीजन? भेदभाव बगैर का डिसीजन. हमें किसी कोई भी डिसीजन मेकिंग पे हमें भेदभाव नहीं करना. देखो, एक तरफ कोई भी बिजनेस चालू होता है तो उसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना. ठीक है, प्रॉफिट कमाना. आगे जैसे ही आदमी प्रॉफिट कमा के आगे बढ़ता है, एक बार एक लेवल तक आदमी चाहता है कि वो प्रॉफिट कमाए, उसके बाद वो चाहता है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करूँ. ठीक है ना, बार जिंदगी भर पैसा कमाने के पीछे किसी की जिंदगी जाती नहीं है. कोई थोड़ा टाइम के लिए आदमी को पैसा चाहिए रहता है एक लेवल तक, लेकिन उसके बाद वो चाहता है कि सोसाइटी में कुछ इम्पैक्टफुल काम करते हैं अपन. ठीक है, तो उसके लिए उस वो पैसा कमाने का जो मेन पॉइंट था हमारा, ठीक है ना, वहाँ पे रेशनल डिसीजन होना चाहिए भेदभाव बगैर का. मैं बोलूँ कि मुझे गाना बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बोलूँ मुझे गाना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं गाने गाने जा रहा हूँ किसी को अच्छा नहीं लग रहा, सामने सुनने वाले को किसी को अच्छा नहीं लग रहा. जब किसी को अच्छा नहीं लग रहा है मगर मतलब कि कोई मुझे पेमेंट करने वाला नहीं है, मुझे उससे इनकम होने वाली नहीं है, तो मुझे जो अच्छा लग रहा है वो बात अलग है, लेकिन जो फ्रूटफुल है, जो प्रॉफिटेबल है, वो कंसेप्ट एक अलग होता है. तो फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल कंसेप्ट को हमें आगे बढ़ाना होता है. वहाँ पे हमें अपनी इमोशनलिटी को साइड पे रखना होता है, और जो हमें बेनिफिट दे रहा है, जहाँ पे हमको फायदा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको हमें कंटिन्यू करना होता है. आगे पढ़ते, दिस इज डन थ्रू प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स विच इंक्लूड बिसाइड्स द यूजुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, ग्राफ्स, डायग्राम्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा. स्टूडेंट विल लर्न द एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द लेटर स्टेज ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो लेटर जो है वो अपन ये रेशियोज, ग्राफ, डायग्राम्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट, जैसे मैंने बताया कि आपको आगे सीए इंटर वगैरह का जो कोर्स स्टार्ट करोगे जब आप, तो वहाँ पे आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने रहेंगे. ठीक है, आगे द फर्स्ट टू प्रोसीजरल स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आर कवर्ड अंडर द बुक कीपिंग. वाइल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ऑल्सो कम्युनिकेशन टू द वेरियस यूजर्स are considered as accounting standards. Student will learn the terms bookkeeping and its distinction with accounting in the coming topic of this unit. ठीक है, हमने क्या सीखा initially? Generating financial information. ये topic को अपन ने complete किया. Next topic आ रहा है अपना using financial information. उससे पहले एक छोटा सा break ले लेते हैं. पानी वानी पी लो आप लोग. Thank you. पुशअप करो, पुशअप करो, सुई जा, पुशअप कर, चलो आगे आगे का पढ़ते हैं. Also, the perspective of the investors and other contact groups want to know a lot of business before entering transaction. Thus, financial accounting emerged as an information system to identify, measure and communicate useful information for informed judgments and decisions by broad group of users. In the third phase, accounting information was generated to aid management decision making in particular.
It considered a lot to improve the quality of management decisions. These new dimensions of accounting is called management accounting, and it is a development of 20th century only. It is pervasive enough to cover all spheres of management decisions. Okay, aage. Lastly, social responsibility accounting. Social responsibility accounting is a formative process which aims at accounting for the social cost incurred by the business as well as social benefit created by it. It emerges from the growing social awareness about the undesirable byproducts of economic activity. While earning profits, an enterprise incurs numerous social costs like pollution, using the resources of society like materials, land, labor, etc. to compensate for the social cost. In today's world, an enterprise is expected to generate some social benefits also, like employment opportunities, recreation activities, more choice to customers at reasonable price, better quality of the product, etc. देखो कोई भी बिजनेस चल रहा है ना तो वो अकेले अकेले अपने आप पे हर बिजनेस नहीं चल जाता है, ठीक है ना. वो सोसाइटी में काफ़ी सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता है, मटेरियल, लैंड, लेबर वगैरह वगैरह को, ठीक है. और काफ़ी बार कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए काफ़ी सारा सोसाइटी एनवायरमेंट में सोसाइटी में काफ़ी सारा पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है, ठीक है. एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन वगैरह वगैरह, ठीक है ना. तो उसमें उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि भाई देखो, एक तो कोई भी बिजनेस जनरेट होता है ना तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ होगी कि भाई एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, काफ़ी सारे लोगों को काम, रोज जॉब मिलेगा, काम मिलेगा और वो लोग बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है. साइड बाई साइड रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ वो लोग क्रिएट करेंगे, कस्टमर को रिजनेबल प्राइस पे गुड्स देंगे, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है. ये बेसिक रिक्वायरमेंट है. लेकिन सोसाइटी के अंदर जो ये आगे देखो, सोशल साइंस स्टडीज अ मैन मेंबर ऑफ द सोसाइटी, दे कंसर्न अबाउट सोशल प्रोसेस एंड द रिजल्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप. क्या करता है, स्टडी मैन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, दे कंसर्न अबाउट सोशल प्रोसेस एंड द रिजल्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप. ये सब सोशल रिलेशनशिप है, सोशल प्रोसेस जो है उसको सबका स्टडी किया जाएगा यहाँ पे. द यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग टू द सोसाइटी एज अ होल इज अ फंडामेंटल क्राइटेरिया टू ट्रीट इट एज अ सोशल साइंस. ऑल्दो इंडिविजुअल्स मे बेनिफिट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, द अकाउंटिंग सिस्टम जनरेट्स इन्फॉर्मेशन फॉर सोशल गुड. इट्स ऑल सोशल पर्पजेज. इट कंट्रीब्यूट फॉर सोशल प्रोग्रेस. ऑल्सो इट इज बींग एडेप्टेड टू कीप ग्रेस विद सोशल प्रोग्रेस. सो अकाउंटिंग इज ट्रीटेड एज अ सोशल साइंस. ओके, सो आज के लिए इतना रखते हैं. नेक्स्ट चैप्टर से अपन, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू गाइज, हैव अ हैप्पी स्टडी टाइम.